हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेकर आई हूँ आपके लिए आज की स्टोरी का रीडिंग को। सो आज की इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर से आपको चेक करना है कि क्या कुछ उनकी करंटली फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनकी थॉट्स हैं आपको लेकर, क्या कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपको लेकर, यानी कि आपके लिए उनका करंट फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट एक्शन, सारी चीज़ों को जो है मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ आपके लिए। सो चेक कर लेती हूँ आज की इस रीडिंग में। रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए, अगर रीडिंग आपको मिलती है तो डेफिनेटली आपके लिए है, आप इसे देख सकते हैं। टाइमलेस बेसिस पर रहेगा प्रेडिक्शन। सो आपको जब भी रीडिंग मिलती है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है, आप इस रीडिंग को चेक कर लीजिए अपने पर्सन के साथ में, जिनके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। सो अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर को आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी पाइल में, यानी कि ए से एम, एन से जेड, यानी कि जो भी पाइल में आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर आ रहा है उस चीज़ में आप चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन की कौन सी पाइल है। उसी पाइल को आपको सिलेक्ट करना है, दूसरी वाली पाइल को आपको छोड़ देना है, उस पाइल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। सो अपनी पाइल को आप सही से सिलेक्ट कर लीजिए और आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेती हूँ फर्स्ट पाइल से। अगर आपके पर्सन के नेम का जो लेटर है वो इन लेटर्स में से है तो आप चेक कर लीजिए कि उनकी करंटली फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ आ रही हैं, क्या कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपको लेकर। सो स्टार्ट कर लेती हूँ आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स क्या कुछ आ रही है, ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपको लेकर इनके मन में। ट्रूली फीलिंग्स को चेक करूंगी मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। एंड ये पर्सन प्रेडिक्शन नहीं है, जनरल है, तो जनरल तरीके से ही देखिए। चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स आपको लेकर। सो द स्टार की एनर्जीज है। आपके पर्सन आपके साथ में कोई प्रॉमिस किया है, उन्होंने कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, कोई उन्होंने पास में आपसे कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है, उसको पूरा ना कर पाने का कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना उनको मन में मुझे दुख नज़र आ रहा है, या फिर उनके मन में उनको ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शायद अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में जो टाइम स्पेंड किया है, जो पल बिताए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन। इस वक्त की जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, बाउंड नज़र आ रहे हैं, यानी कि फैसला लेना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लिए फैसला ना लेना चाहते होते तो आज मुझे ऐसी एनर्जीज में नहीं नज़र आते कि ये अपने दोनों हाथों में मुझे कहीं ना कहीं इनकी सोर्स नज़र आ रही है, यानी कि ये चाहे तो तुरंत फैसला ले सकते हैं आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बाउंड नज़र आ रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके रिलेशन में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, यानी कि लेना चाहते हैं बट फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अपनी बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपने मन में छुपा कर रखी हैं या फिर दबा कर रखी हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें उन्होंने जैसी सोची थी हकीकत में शायद वो ऐसी नहीं निकली हैं। हार्ट ब्रोकन एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है उन्हें किसी तरह के से कहीं से कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जीज बहुत ही रिसेंटली मिली है। ओके, फाइव ऑफ वर्ड्स की एनर्जीज है। अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपके पर्सन की, मुझे ऐसी एनर्जीज मिली है कि थर्ड पर्सन के साथ में शायद आपके पर्सन की आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई कहा सुनी हुई है, या फिर शायद आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग आपके लिए जो उनकी है जाकर थर्ड पर्सन से सामने एक्सप्रेस करी है, फिर शायद थर्ड पर्सन से अगर कहने की कोशिश करी कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में वो जिसको अपना ड्रीम पार्टनर मानते हैं वो आप हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ है शायद इनके मन में बहुत ज़्यादा लंबे समय से इन्होंने दबा कर रखी थी, बट अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने शायद अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी है, बट शायद वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते थे। और अगर थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में था, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इन चीज़ों को समझ लिया, या फिर शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, याद करना, और आपके कहीं ना कहीं कम बैक अगर आपके पास में नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज में आ जाना, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थर्ड पर्सन जो है शायद आपकी चीज़ों को जो है आपके पर्सन की चीज़ों को समझ रहे हैं, और अगर वो उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो कोई भी चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो अब वही डिसीजन लेंगे, वही करेंगे अपनी लाइफ में जो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि
आपकी सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को इस वक्त रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो कमबैक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनका रिलेशन जो कि आपके साथ में इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा रिलेशन था, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो जानते हैं इस बात को, मैं देख रही हूँ कि आप उनके लिए बहुत सबसे अच्छे बेस्ट पार्टनर हैं। शायद आपसे ज़्यादा अच्छा उनको अपनी लाइफ में और कोई नहीं मिलेगा। शायद जितना ख्याल आप उनका रखते हैं, शायद आपके अंदर उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हैं आपके साथ में। आपके साथ में शायद उन्हें एक फैमिली मेम्बर वाली जो फीलिंग्स है, अटैच महसूस करते हैं, बट उसके बावजूद शायद वो आपसे मिसगाइड हो गई। उसके बावजूद शायद उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया थर्ड पर्सन की वजह से जो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मुझसे ऐसी भूल कैसे हो सकती है जिसको वो अपनी लाइफ में इतना ज़रूरी, इतना अहम हिस्सा मानते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। उस व्यक्ति से किस कैसे आपके जो पर्सन है इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर शायद आपको आपसे मूव ऑन हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन के मन में मुझे एक रिग्रेट नज़र आ रहा है, एक पछतावा नज़र आ रहा है, और हार्ट ब्रोकन एनर्जीज भी, यानी कि पूरी तरीके से उनका जो भरोसा है, मुझे एक तरफ से लग रहा है कि उनकी उम्मीद बिल्कुल टूटी हुई है थर्ड पर्सन की तरफ से, या फिर अगर वो आपके साथ में ब्लॉक कॉन्टैक्ट में थे, थर्ड पर्सन नहीं था, तो उन चीज़ों से बिल्कुल उनका मन हट चुका है। अगर वो अपने करियर को लेकर आपके साथ में एक ब्लॉक कॉन्टैक्ट में आ गए तो क्या वो बस अपने करियर को फोकस करेंगे, आपके साथ में आपसे मूव ऑन हो जाएंगे? बट उन चीज़ों को आगे जाकर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे क्या मिस्टेक हो गई, कि उनसे क्या भूल हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, क्योंकि उनको लाइफ में अपने इतना अच्छा एक पार्टनर मिला, इतना अच्छा एक ऐसा इंसान मिला जो उनकी इतनी ज़्यादा उनके बारे में सोचता है, उनकी इतनी फीलिंग्स की कदर करता है। शायद आपसे जब से वो दूर हुए उसी समय से उनको महसूस होना स्टार्ट हो गया था कि अब मैं अकेला हो गया हूँ अपनी लाइफ में, अब मैं अकेली हो गई हूँ, किससे कहूँगी मैं अपनी फीलिंग्स को, या फिर अब मैं किससे अपनी फीलिंग्स को कहूँगा। ऐसी एनर्जी से मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट अब उनको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ में अब उनको आपकी लाइफ में कमबैक होना ही होगा। अब बस जल्द से जल्द वो आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए, उसी में ही कहीं ना कहीं वो अपनी भलाई समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनर्जीज अब मुझे इन पर्सन की लग रही है जो आपसे मूव ऑन हो गए थे, जो आपसे दूर चले गए थे। शायद उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट आज ये पर्सन परेशान हो रहे हैं आपकी लाइफ में कमबैक होने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, और गुस्सा भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज नज़र आ रही है इनकी, पर ये गुस्सा, ये एंगर, ये अग्रेसिव एनर्जी इनकी अपने लिए है क्योंकि मिस्टेक इनसे हुई है। आप पे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके लिए तो इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना गाइस, वो लवली फीलिंग्स आ रही है। अभी आपके लिए लवली फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर उनके जो मन में आ रही है ना एनर्जीज, कि आप एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज वाले पर्सन हैं, या फिर आपने इतना ज़्यादा इनका अगर वेट किया है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं। अभी अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ देना चाहते हैं, इनको ऐसे महसूस होता है कि शायद अब अपने रिलेशन में कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं कि आपको इनकी तरफ से हैप्पीनेस मिले, आपको इनकी तरफ से खुशी मिले, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ में देख रहे हैं। अगर आपके पर्सन ये वाली पायल है तो साइन की बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है। इनके लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो या फिर अग्रेसिव हो जाते हो अगर वो फायर साइन है तो, बट अंदर से उनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्योर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपके साथ आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। गो आउटसाइड की एनर्जीज है इन एनर्जीज से, इस वक्त जिन एनर्जीज में वो आपके पर्सन है कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से बिल्कुल बाहर चले जाना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करना चाहते हैं। प्योर इंटेंशन की एनर्जीज है, इनका जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं आपको लेकर, वो बिल्कुल ट्रू है, प्योर है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है आपको। एंड कहीं ना कहीं आप इनकी डिज़ायर बन चुकी हो, बिल्कुल उनका जो इंटेंशन है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्योर है आपको लेकर कि अब अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही आपको देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही है। सोर्स वॉन्ट्स की भी एनर्जीज है मेरे पास में। सो आपके जो पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, सोर्स की एनर्जीज है। सो आपके पर्सन में देख रही हूँ, आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी भी हो सकते हैं, आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं।
सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत सारे साइन की मुझे एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन हो सकते हैं। सो आई होप आपके साथ मेरे टैरो का रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। अब चेक कर लेती हूँ सेकंड पाइल के लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो गाइज वेलकम टू द चैनल एंड अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं, क्या कुछ उनका एक्शन आ रहा है आपके लिए। अगर आपके पर्सन के नेम का जो लेटर है वो लेटर एन से लेटर जेड तक के बीच में, अगर आपके पर्सन का नेम के लेटर का फर्स्ट वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर अगर स्टार्ट होता है तो आप चेक कर सकते हैं उनकी करेंटली फीलिंग्स आपके लिए, उनका करेंटली एक्शन क्या कुछ चाहते हैं। सो क्विकली चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी जनरल बेसिस पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पर्सन प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स आपके रिलेशन के लिए क्या कुछ आ रही है इस वक्त। सो द स्टार की एनर्जीज, ओके सो टेन ऑफ वंड्स की एनर्जी। सो गाइज आपके जो पर्सन की एनर्जीज मुझे मिल रही है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज मुझे मिल रही है। बिल्कुल मैं एकदम एक यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो एक होम बैक एनर्जीज होती है ना, घर वापसी की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मैं कहूँगी वो वापस कम बैक हो रहे हैं इस वक्त मुझे प्रेजेंट में, उनकी जो सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोई एक्शन लेने की एनर्जीज है यहाँ पर कि आपके पर्सन अब बड़ी तेज़ी से आपके लिए एक्शन ले रहे हैं पूरी तरीके से। अब उनके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया है कि उनको आपकी लाइफ में कम बैक होना है नहीं होना है, और ऐसी कोई भी एनर्जी मुझे नहीं लग रही कि आपके पर्सन के मन में कोई भी डाउट है। अग्रेसिव एनर्जीज है, हो सकता है आपके पर्सन के साथ में किसी की आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि आपके पर्सन के मन में मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है। एक बहुत लंबे टाइम से जब आपके पर्सन आपका वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, या फिर आपका इंतजार कर रहे थे, या फिर अपनी फीलिंग को दबा कर रखे हुए थे, शायद वो सोच रहे थे कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके आपके लिए उसको दबा कर रखेंगे, शायद होल लाइफ पूरी लाइफ को अपनी जो है इन्हीं चीज़ों में स्पेंड कर देंगे, या फिर ओवर थिंकिंग करेंगे, या फिर आपके बारे में सोचते विचारते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, इमोशनल होते रहेंगे आपके बारे में सोच सोच कर। बट अब ये चीज़ें मुझे उनकी लाइफ में पूरी तरीके से बाहर आती हुई नज़र आ रही है कि अब पूरी तरीके से उनकी फीलिंग्स जो दबी हुई थी इतने लंबे टाइम से कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी से बाहर आती हुई नज़र आ रही कि अब वो आपकी लाइफ में बिल्कुल वापस आ रहे हैं। किसी भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर उन्हें कोई एडवाइस देता है, या फिर अगर उन्हें कोई गाइड कर रहा है इस वक्त, या कोई थर्ड पर्सन है तो उसके ऊपर शायद उनका बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं जा रहा है, या फिर वो शायद सुन तक नहीं रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि अब उनको फैसला लेना है। ऐसी एनर्जीज मुझे आप नज़र आ रही है कि आप उनको बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं चाहिए एनर्जीज़ की, वो आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट में नहीं चाहिए उन्हें एनर्जीज़ की, आपके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपके कॉल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को नहीं बढ़ाना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं पर्सन। इनको कहीं ना कहीं अब एक टाइम आ गया है आपके पर्सन की लाइफ में जब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो आपसे धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं, कहीं वो आपसे दूर ना चले जाए, कहीं वो आपसे बहुत दूर ना चले जाए, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि अब इस टाइम इस नो कॉन्टैक्ट को यहीं पर रोका जाए, यहीं पर स्टॉप किया जाए, और यहीं से एक न्यू बिगिनिंग नई शुरुआत करी जाए आपके साथ में। चीज़ों में जो है एक उन्हें हैप्पीनेस चाहिए टाइम में, अपने नहीं चाहिए कि वो आपकी लाइफ में वो आपके बिना सैड महसूस करें, या फिर आपके बारे में सोच सोच कर इमोशनल हो। ओवर थिंकिंग करी है आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर कोई अच्छा फैसला लेते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं आप भी मुझे निराश नज़र आ रहे हो, परेशान नज़र आ रहे हो, अपने पर्सन का बहुत वेट किया है आपने, बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जीज मिल रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत सपोर्ट किया है आपने अपने पर्सन का, बट डीपली थिंकिंग भी आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। बट अभी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ उनका जो ध्यान आ रहा है वो मुझे यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कम बैक होने पर है, वापस आने पर है। और एनर्जीज को देखती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी क्यों आ रही है, क्यों उतनी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हो। बिल्कुल अब अपने डिसीजन कोई पर्सन चेंज नहीं करेंगे, अपने पर्सन जो आपके पर्सन है उस फैसले को चेंज नहीं करेंगे, डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अग्रेसिव एनर्जीज नज़र आ रही है। सो आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जीज अगर मैं कहूँ आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, और बहुत ज़्यादा शायद वो सोचते सोचते शायद उन्होंने फ्यूचर में जाकर जो चीज़ें हैं उन्हें सोचा है, या फिर एक्सपीरियंस करी है, या फिर बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग करी, तो शायद उन्होंने यही पाया है या फिर यही सोचा है कि शायद अब इन चीज़ों को उन्हें क्लैरिफाई करना ही होगा। आपके साथ में जो चीज़ें उनकी बिगड़ गई हैं या डिस्टर्ब हो गई हैं
उन चीज़ों को अब टाइम आ गया जब वो ठीक करें या फिर बिल्कुल जो है चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आए, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी दे। सेलिब्रेशन मोमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि भले आपके पर्सन इस वक्त गुस्से में है, इनका मूड जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि इनके पास कुछ एनर्जीज है, माइनर अरकाना से नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अभी इस वक्त इनका ध्यान कहीं पर भी नहीं है, ना ही अपने करियर पे, ना ही फाइनेंस पे, ना ही किसी थर्ड पर्सन पे, ना ही फ्रेंड्स पे, ना फैमिली पे, किसी चीज़ पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है। इनका ध्यान सिर्फ वो सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कहीं आपसे दूर ना हो जाए। तो उन चीज़ों का आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा है, फियर नज़र आ रहा है आपके पर्सन के माइंड में। लाइक एक चाइल्ड होता है, जब से फियर होने लगता है किसी चीज़ का, जब वो उस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो मुझे नज़र आ रहा है कि एक्शन लेने की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा हरी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर प्योरिटी की एनर्जीज मिली है। कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ सवाल है आपके मन में या फिर आपके पर्सन के मन में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप से ही सवालों में घिरे हुए हैं, फिर बहुत ज़्यादा अपने मन में ही सवाल पूछ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को अगर कहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों से परेशान आ गए, उनसे मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है उनके मन में कहीं ना कहीं अपने आपसे पूछ रहे हैं। आपके साथ में एक इनकम्प्लीट जर्नी है उनकी, उसे वो पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके साथ में एक जो जर्नी है उनकी, जो स्टार्ट उन्होंने करी थी, बहुत ज़्यादा शायद ड्रीम्स देखे थे बट शायद वो पूरी नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, बट अब वो उसको पूरा करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स बनाते हुए मुझे आपके पर्सन अब नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ में अब वो एक परमानेंट रियूनियन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके साथ में परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जो है चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। सो आई होप के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग है वो रेजोनेट की। वो टू द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।